डिस्क्लेमर है, जो भी बातचीत करूंगा आंकड़ों के आधार पर करूंगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। शिल्पा जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक बात रही है कि रिलायंस ने अपने इस रीसेंट मूव में जो कि 13 दिसंबर को शुरू हुआ था, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 DMA कभी भी इस पर वॉलेट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ। इसने हमेशा कॉल राइटर्स को टोस पे रखा है। अभी भी अगर आप प्लीज डॉक्टर साहब स्क्रीन पे 2600 की कॉल लेके आइए, वहाँ पे मुझे शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं। शिल्पा जी, आपका व्यू रिलायंस पे इस वक्त, एक टेक्निकल व्यू और एक डेरिवेटिव व्यू? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, रिलायंस यहाँ पे 2600-2620 का ही टारगेट है, जो हम लोग इसको अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ये शायद मोमेंटम इसको डिसाइसिवली ब्रीच करे और इसके ऊपर निकले, ताकि और थोड़ा पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 2730-2750 भी आपको आते हुए दिनों में मिलेगा देखते हुए। तो ये जो 2600 का कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 64-65 के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें एकदम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 35 का मेंटेन कीजिए, और ये व्यू सही जाता है। जैसे ये 2600 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करता है, तो आपको इसमें एक बहुत ही शार्प मूवमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको ये टूवर्ड्स 95-120 के बीच में एनीवेरी आपको ऑप्शन ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, याद रखिएगा अगेन, फिर इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये ट्रेड मैंने पूछा, लेकिन मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा था। बाकी शिल्पा जी का मत आपकी स्क्रीन पर है, एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें इसमें। और क्या क्या इस वक्त बहुत एज पे बैठा हुआ है? देखिए, एज पे जो जो चीज़ें बैठी हुई हैं, उसमें एक बार आप लेके आइएगा प्लीज़, इट्स ITC। और शुक्रवार को ये ट्रेड हमने कई बार